लंबे वक्त के बाद प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 4 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी क्रिकेट का महामुकाबला खेला जाना है जहां क्रिकेट के इस महामुकाबले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है एम से जुड़े अधिकारी समय समय पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं ग्राउंड स्टाफ भी पीच और मैदान को तैयार करने के काम में जुटा हुआ है देखिए होलकर स्टेडियम से एम न्यूज की ये खास रिपोर्ट इंदौर का होलकर क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से सच संवर कर तैयार है और आप देख सकते हैं इस वक्त जो मौसम है ये बहुत क्रिकेट के लिए फेवरेबल मौसम माना जाता है वो मौसम का यहाँ पर एक नज़ारा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं आउटफील्ड को कितनी मेहनत के साथ जो है तमाम एम से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तैयार किया है खासतौर पर पिच क्यूरेटर ने भी जो है यहाँ पर इस बारीकी का ध्यान रखा है और मौसम के मद्देनजर इस विकेट में उछाल अच्छा हो ऐसे प्रयास इस बार जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टी मुकाबले के लिए किए गए हैं खासतौर पर आपको बता दें कि तैयारियां यहां बिल्कुल अंतिम छोर में है कुछ ही घंटों का वक्त अब जो है बाकी है जब इंदौर में रनों का मेला रनों की बहार दिखाई देगी और आउटफील्ड पर ये जो वॉटरिंग की जा रही है यहाँ पर जो ग्राउंड्समैन आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये कड़ी धूप में भी जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये है कि इंदौर की जो क्रिकेटिंग तासीर है उसका यहाँ पर जो है नज़ारा पूरी तरह से क्रिकेट के दीवानों को देखने को मिले और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये जो तीसरा टी मुकाबला है ये एक हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर जो है साबित हो ऐसे प्रयास यहाँ पर क्रिकेट के दीवानों के लिए किए गए हैं साथ ही साथ आपको बता दें कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अब तक टीम इंडिया के लिए लकी ग्राउंड जो है यहाँ पर साबित हुआ है ऐसे में ये प्रयास लगातार जारी हैं कि किस तरह से एक और मुकाबला जो है वो यहाँ पर रनों की बाहर भी लेकर आए क्रिकेट का एक अच्छा खेल भी यहाँ पर खेल यानी कि दीवानों को देखने को मिले फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह एम न्यूज़ इंदौर